कर देंगे, जो हाथ जोड़ के बोले ना माँ बहन दो वोट दो, अभी तुम लोग का पूरा हेल्प करेंगे। बारिश के तरह न कनेक्शन करता है, ये खड्डा खुटी है, इसमें पानी गड़ा हुआ है, गाड़ी घोड़ा हम लोग को दूर लगाना पड़ता, किसी दूसरे घर पे लगाना पड़ता। अभी कवर एक महीना कवर को कंपनी की तरफ से पाइपलाइन बिछाया जा रहा था और बिछा करके वो चला गया। अभी जीत लेंगे तो पूरा आप लोग को सहायता करेंगे, हर चीज का, रोड का, नाले का, कोई चीज का तो ठिकाना नहीं हो रहा। हर बार इलेक्शन के टाइम में यही होता, हर दुख सुख में लल्लू वसीम भैया जो हम लोग का साथ देता है। रोड सही करवाए फिर रोड वैसे हो गया चौपट। अब यही काम करेंगे, झाड़ू लेकर के रहेंगे, हाथे पर देंगे, जो हाथ जोड़ के बोले ना माँ बहन दो वोट दो, अभी तुम लोग का पूरा हेल्प करेंगे। वही सवाल करेंगे, झाड़ू हाथ पर गिरा मांगे। समस्या है कि हम लोग को नाला रोड एकदम निकासी चाहिए बढ़िया, गाड़ी घोड़ा हर चीज में दिक्कत हो रहा, बाल बच्चा गिरते पड़ते रहता है, इतना गंदगी आप लोग देख ही रहे हैं। जाने आने वाले आदमी को, हर को आदमी को दिक्कत हो रहा है। और 4 महीना पहले लल्लू भैया ने इसमें गिराया था राबिस, 18-20 गाड़ी गिराया था तो बढ़िया हो गया था, और अभी फिर देखिए ऐसे हो गया है। 20-25 दिन से जब से पाइपलाइन लगा है तब से ऐसे छोड़ के चला गया लावारिस के तरह, न कनेक्शन करता है, ये खड्डा खुड्डी है, इसमें पानी गड़ा हुआ है, गाड़ी घोड़ा हम लोग को दूर लगाना पड़ता, किसी दूसरे घर पे लगाना पड़ता। घर ये हमारा, गाड़ी देखिए कहाँ लगाए हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि कई सालों से इस रूट में न नाला है, न नाले का निकासी है और न रोड है। इस रास्ते के सारे लोग ग्रस्त और परेशान, और कोरोना जैसे काल में जो आज परेशानी लोगों को हो रहा है, घर घर में फीवर का मामला उजागर होता है। उसके बाद हमने अभी 4 महीना कबल दीपावली से पहले, चूंकि यहाँ दोनों समुदाय के लोगों का ये रास्ता है जो एक ज्वाइंट को जाता है, तो हमने यहाँ 20 गाड़ी राबिस गिरा के लोगों को चलने के लिए एक रास्ता बना दिया। उसके बाद फिर अभी कबल 1 महीना कबल बुटको कंपनी के तरफ से पाइपलाइन बिछाया जा रहा था और बिछा करके वो चला गया, और आज 1 महीना हो गया है, ना उसको कनेक्शन लोगों को दिया है और न ये गड्ढा का समस्या दूर हुआ है, जिससे सारे लोग यहाँ से उत्पीड़न हो गए हैं, आक्रोश में है। यहाँ का पार्षद का क्या कर्तव्य है ये आपके सामने है। पूरी जगह हम लोग को दिक्कत ये है कि रोड में पानी जमता है, हम लोग घर से निकल नहीं सकते हैं, नाली का पानी रोड पे रहता है, हम लोग का बाल बच्चे का तबीयत खराब होता है, बाल बच्चे का फीवर आता है, मच्छर काटता है, हम लोग को बहुत परेशानी है। अब भी देखिए कैसा रोड है, पार्षद को बोले थे, पार्षद के घर पर भी गए थे, लेकिन लिख के भी दिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। हम लोग का मार लोग सब गया, कुछ भी नहीं किया। दिक्कत यही है कि नाले का पानी आ रहा है, सब दिन पानी में घुसते हैं, मल्लिस पानी या पूरे मोहल्ले का पाप का पानी इधर आया था भस के। और क्या दिक्कत है, हम लोग को नालिया रोड चाहिए। पार्षद को बोले थे, पार्षद कल कहता था कि करेंगे करेंगे, टाइम बढ़ा रहा है। आपके सामने देख रहे कादो कीचड़ में है, नाली का पानी सबके घर में आता है, थोड़ा इधर भी गली में सब में आता है। बात पास्टर को बोलते हैं तो बोलता 15 दिन का टाइम दीजिए, फिर जाता। गांव समाज का आदमी तो बोलता है 1 महीने का समय दीजिए, खाली समय पे समय मांगता है, मगर होता तो कुछ नहीं।